नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं एयर 24 न्यूज। खबर है मोतिहारी से, जहां कचरा डंपिंग यार्ड के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार ने एक निर्दोष कचरा वाहन चालक की जान ले ली। मोतिहारी नगर निगम के वाहन चालक मोहम्मद इस्माइल अहमद डंपिंग यार्ड में कचरा गिराने गए थे, जहां कचरा गिराने के लिए उन्होंने हाइड्रोलिक को उठाकर कचरा गिराना शुरू ही किया था कि उस दौरान डंपिंग यार्ड का मुख्य दरवाज़ा, जो दोनों तरफ पिलर के साथ वाहन के केबिन पर गिर गया और उसी में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से नाराज कर्मियों ने शहर के गांधी चौक पर शव को रखकर घंटों आगजनी की और चौक को जाम रखा। जानकारी मिलने पर पहुंचे नव पदस्थापित सदर SDO सुमन सौरभ यादव ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता देने का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। वहीं आक्रोशित लोगों ने बताया कि घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी फोन करने पर भी नहीं पहुंचे और ना ही कोई एम्बुलेंस पहुंचा, जिस कारण कचरा के गाड़ी पर मोहम्मद इस्माइल अहमद के शव को नर्सिंग होम लाया गया। लोगों ने बताया कि अगर समय से सहायता मिल जाती तो शायद इस्माइल अहमद की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि पिलर के गिरने से दबे इस्माइल को निकालने में भी काफ़ी परेशानी हुई है। नगर निगम के चालक मोहम्मद इस्माइल के मौत के बाद गांधी चौक पर हो रहे हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सदर SDO सुमन सौरभ यादव ने मृतक के परिजनों से बात की और परिजनों के मांग पत्र पर विचार करने का आश्वासन दिया। उसके बाद सफाईकर्मी शांत हुए और जाम हटाया जा सका। मोतिहारी ब्यूरो रोहित झा की रिपोर्ट। दुर्घटना में नगर निगम के कर्मी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके परिवार से हमने मिलकर जो भी नियम तक हम लोग कर सकते हैं उनके परिवार की समस्या को समाधान करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उसको किया जाएगा। और अब यहाँ पे जो जाम है, सर, जिस विभाग के कर्मी की मौत हो गया उस विभाग के अधिकारी पूरे समय में नदारत हो गया, उसमें मैं कौन आदमी हो, मुझे मिलना चाहता हूँ।